18-19 साल का था जब कॉलेज गया था, तभी से मेरे को हेयर फॉल का इशू हो गया था। उससे पहले मेरे हेयर्स बहुत अच्छे थे। QHT क्लिनिक पे आया हूँ क्योंकि इनके वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे थे और मेरे को इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, कोई ज़्यादा प्रेशर या फिर पेन या फिर नर्वसनेस वहाँ पर फील नहीं हो रही थी, तो बहुत अच्छा ही सराउंडिंग था। और हेलमेट वगैरह नहीं पहनना है, कोई भी ऐसी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग आए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और मैं हूँ उत्तराखंड के ऋषिकेश से, और मैं यहाँ पे आया हूँ अपने हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके। बहुत समय से मेरे को ये हेयर फॉल हो रहा था और मैं 18-19 साल का था जब कॉलेज गया था, तभी से मेरे को हेयर फॉल का इशू हो गया था। उससे पहले मेरे हेयर्स बहुत अच्छे थे। इसको रोकने के लिए मैंने बहुत सारे रेमेडीज़ का यूज़ किया। कुछ समय के लिए कुछ रेमेडीज से फ़ायदा भी मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और दिन पे दिन हेयर फॉल होता ही रहा। धीरे धीरे स्कैल्प दिखने लगा, तो एक कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है। कहीं पे भी जाओ तो कोई भी पूछता है कि अरे आपकी हेयर फॉल हो रहा है, इनका कुछ केयर करें। एक्सरसाइज वगैरह भी करी और योगासन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन कुछ खास फ़ायदा नहीं मिल पाया। और धीरे धीरे आज की डेट में काफ़ी हेयर फॉल हो चुका है, तो इसके लिए ही मैं आज QHT क्लिनिक पर आया हूँ क्योंकि इनके वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे थे और मेरे को इनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा लगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे रिज़ल्ट भी ऐसे अच्छे आएंगे। तो जैसे कि आप मेरा बॉडनेस एरिया देख सकते हैं कि पूरा ये क्राउन एरिया लगभग लगभग ख़त्म हो चुका है और आगे से भी ये मेल पैटर्न बॉडनेस में ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मैंने तो YouTube के माध्यम से ही QHT पे कॉल किया था, तो उन्होंने मेरे से भी अलग अलग पोज में फ़ोटोज़ मंगवाए और बताया कि आपके अराउंड 4,500 के से 5,000 ग्राफ्ट तक लग जाएंगे, जिसका कॉस्ट उन्होंने 25 रुपीज़ पर ग्राफ्ट के हिसाब से मेरे को बताया था। तो अभी मैं डॉक्टर से मिलूँगा और वही हेयरलाइन बनाएंगे तो पता लगेगा। काफ़ी नर्वस हूँ लेकिन एक्साइटेड भी इसलिए हूँ क्योंकि जो भी मेरा नया लुक आएगा वो पूरा एक पर्सनैलिटी को मेरे चेंज कर देगा, इसलिए एक्साइटेड हूँ। लेकिन अब डॉक्टर से मिलकर ही पता लगेगा क्या होगा। तो सर्जरी को लेके काफ़ी ही मैं एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा डर भी लग रहा है कि कितना पेन होगा। तो सर्जरी के बाद ही मैं आपसे मिलूँगा और देखते हैं कि कितना क्या होता है। मैं जो भी होगा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। देख सकते हैं कि अभी अभी मेरी सर्जरी पूरी हो गई है। आप देख सकते हैं कि पूरे ग्राफ्ट इसमें ट्रांसप्लांटेड आपको दिख रहे होंगे। टोटल 5,000 ग्राफ्ट इम्प्लांट हुए हैं और जो सर्जरी चली तो बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर था, और जो स्टाफ था और जो डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। बीच बीच में मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ी तो वॉशरूम भी होके आए, और बीच बीच में रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ी तो वो भी। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट था और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, कोई ज़्यादा प्रेशर या फिर पेन या फिर नर्वसनेस वहाँ पर फील नहीं हो रही थी, तो बहुत अच्छा ही सराउंडिंग था। डॉक्टर्स के द्वारा मुझे कुछ प्रिकॉशंस दिए गए हैं जिसमें, और उन्होंने तरीका भी बताया है कि कैसे हेड वॉश करना है और बाहर का जंक फूड या फिर बहुत सारा मसालेदार फूड नहीं खाना है। स्मोकिंग एल्कोहल अगर कोई करते हो तो 1 महीने तक वो नहीं करना है, और हेलमेट वगैरह नहीं पहनना है, कोई भी ऐसी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग आए, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ही हार्मफुल है ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के लिए। ओवरऑल सर्जरी मेरी बहुत ही, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे QHT पे, और मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूँ अगर आप बालों की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो एक बार पक्का QHT में आएँ, और यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, इनसे कंसल्ट करें, ये आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसे मेरी जो सर्जरी हुई है उसमें कोई मेरे को बहुत ज़्यादा पेन नहीं हुआ, क्योंकि पेन ना हो इसके अभी ख्याल डॉक्टर ने रखा, और इसके लिए भी वो एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं जिससे कि बिल्कुल हमें पेन ना हो। और
मैं अगली बार जब भी फर्स्ट पीआरपी सेशंस के लिए आऊँगा तो तभी आप सबसे मिलते हैं और तभी मेरा आप भी रिजल्ट देखिएगा। थैंक्स टू क्यूएसटी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।